दिल्ली की कंझावला कांड ने सभी को दहला कर रख दिया। अभी दिल्ली पुलिस मामले की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच यूपी के बांदा जिले से ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बांदा में एक ट्रक और स्कूटी की टक्कर में एक महिला टीचर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ट्रक स्कूटी को 3 किलोमीटर तक घसीटती रही। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात एक ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई। टक्कर में एक विश्वविद्यालय की टीचर की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि महिला टीचर की स्कूटी ट्रक के डंपर में फंस गई थी, जिसे वो 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कई राहगीरों ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक नहीं रुका और घर्षण से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक को पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर भाग गए। ट्रक में लगी आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बांदा के ASP लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि हमें दुर्घटना की सूचना मिली थी। एक महिला स्कूटी पर सवार थी जो विश्वविद्यालय में टीचर थी। वो लखनऊ की रहने वाली है। उनकी स्कूटी डंपर में फंस गई थी और आग लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ASP ने बताया कि घटना में चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला क्लर्क की मौत के बाद विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। छात्रों की मांग है कि स्पीड ब्रेकर और सड़क पर बिजली की व्यवस्था की जाए। मौके पर पहुंची SDM सुरभि शर्मा ने छात्रों को समझाया और जाम खत्म कराया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़।